बीते कुछ दिन पहला कैप्टन सरकार वालों अपनी सरकार के विधायकों के पुत्रों नूं सरकारी नौकरी देने का मामला गरमाया सी, जिस दे चलते लोक इंसाफ पार्टी के आगुआ ने विधायक राकेश पांडे के दफ्तर के कोल पक्का मोर्चा लगा दिता। अज विधायक पांडे के घर का घिराओ लोक इंसाफ पार्टी वालों किया गया और प्रदर्शन कर पुतला फूक के रोस जाहिर किया गया। इस दौरान लोक इंसाफ पार्टी आगू रणधीर सिंह सेविया ने सरकार वालों दिती नौकरी वापस किए जाने की मांग की है और कहा है कि जेकर विधायक का पुत्र नौकरी वापस नहीं करता तो प्रदर्शन होर तिखा किया जाएगा। अज लोक इंसाफ पार्टी विधानसभा हलका उतरी पिछले 16 दिन तो जिहड़ी इस मुद्दे दे उत्ते घर घर नौकरी की जगह अपने घर नौकरी के विरोध दे विच जिहड़ी भुख हड़ताल रखी सी, अज 16वें दिन दे विच है और अज 16वें दिन साडी उस भुख हड़ताल दे विच एक मैसेज देने लई इह साडे नौर्थ हलके तो बच्चे बच्चियां प्लस उन्होंने माता पिता अज पांडे साहब नूं पुछण आए है। पांडे साहब असी तुहानूं 6 बार MLA बनाया, 6 बार तुहानूं असी मंत्री बनाया, अज जदों 4 साल पहला तुसी साडे लोकां नाल वादा कीता कि असी घर घर नौकरी देवांगे, अज जदों नौकरी देण दा वक्त आया तो तुसी नौकरी भी अपने घर लै गए। जे नौकरियां भी तुहाडियां, जे MLA भी तुसी, जे मंत्री भी तुसी, तो फिर असी डिग्रियां रख के करनियां की हैं। अज सारे माता पिता बच्चों दे डिग्रियां फूकण वास्ते इत्थे आए हैं। प्रेशर बिल्ड देखो, ये जनता जनार्दन है, जनता तो वड्डा MLA भी नहीं है, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं है। अज जनता मैसेज देने वास्ते आई है, पांडे साहब नूं दसण आई है कि जे तैनूं असीं 6 बार MLA बना सकते हैं, जे 6 बार दे विचों तैनूं मंत्री भी बना सकते हैं, जे साडी वोट तेरे इस काम आ सकदी है, तो जे तूं साडे नाल धोखा कर रहे, साडे बच्चे नाल धोखा कर रहे, तो असी तेनों लाना भी जानते हैं। अज पांडे साहब नूं दसण आए हैं। तुसी पिछले इन्ने दिनां तों प्रदर्शन कर रहे हो, तुहाडे नाल कोई गल करन दी तुसी इन्हां नाल कोशिश कीती, तुहानूं कोई जवाब दित्ता इन्हां ने? नहीं देखो, असी तां तुसी सत्कारयोग मीडिया वाले जिन्ने मेरे साथी हो, यह तां तुसी जनता नूं, असी तुहानूं मैसेज दे रहे हां, तुसी पांडे साहब नूं पुछ के तुसी इन्हां लोकां नूं दसणा भी पांडे साहब दा रक्षण की है। की पांडे साहब कहिंदे भी सारे विधानसभा हलका उत्तरी दे विच जे पंजाब सरकार ने कोई गरीब डिकलेयर किया जां मानता प्राप्त किया कि वह पांडे ही है, बाकी हलका पांडे साहब तो अमीर है, या कल्ला पांडे साहब का बेटा ही इन्नी क्वालिफिकेशन दे विच है कि हलके दे विच कोई नौजवान होर है ही नहीं वह मुकाबले दे विच। मैं कहना पांडे साहब तुसी बच्चे नूं इन्हां बच्चों के कंपीटीशन घटाओ, नौकरी का कंपीटीशन करे, मुकाबले दे विच नौकरी लैके जाए, असीं लड्डूआं दा डब्बा लैके आउंदे अगर जे पांडे साहब ने यह काम किया होंदा। ਸਿਵੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜੂ। ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ। ਸਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ 376 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ।